केस जो है वो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर कॉमेंट करना शायद मुनासिब ना हो। इंशाल्लाह आप कुछ अर्से के बाद फैसला आएगा, अल्लाह ताला मुल्क को मिलत के लिए बेहतर करेगा इंशाल्लाह। बहुत सारे ने बड़ा जोर लगाया है, जोर लगाने के बाद भी बना उनका कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा 88। नाज़रीन आज बड़ा एक अंधोनाक वाक़या पेश आया, एक दहशतगर्दी का वाक़या पाराचिनार में सब्ज़ी मंडी में अटैक हुआ जिसमें बहुत सी हलाकतें हुई, बहुत लोग ज़ख्मी हुए। और ये जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की जो एक जंग है वो तो अभी जारी है, अल्लाह हमारी हिम्मत को बरकरार करे और ये जंग जो है जल्द ही इख्तिताम पर पहुँचे। बहरहाल नाज़रीन हम ज़रा शिफ्ट करते हैं अपने टॉपिक आज के। आज हम बात करेंगे पनामा लीक्स के हवाले से, और हमने सोचा कि शेख रशीद अहमद साहब जिनको कोर्ट में भी रोज़ देखा जाता है और कोर्ट के बाहर भी आप उनकी बातें सुनते हैं, वो एक उनका अपना अवामी तर्ज है, उनके तजुर्बे की बुनियाद पर वो बहुत सी बातें कहते हैं पनामा लीक्स के हवाले से। हमने आज दावत दी शेख रशीद अहमद साहब को। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। शेख साहब ये बताइएगा कि कल रात में जब प्राइम मिनिस्टर साहब लंदन पहुंचे तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, और स्टेटमेंट में उन्होंने ये फरमाया कि सब ने बहुत कोशिश कर ली लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हालात ठीक हैं। उन्होंने कहा ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की चाहते हैं तरक्की नहीं हो, और अब बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान की तरक्की होगी और पाकिस्तान एक उस शाहरा पे गामजन है जिस पर के होना चाहिए। लोग जो बाकी कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान को डीरेल करें वो तो हार गए। सही कहा आपने नसीम ज़ोहरा साहब के, यहाँ से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तैयारी करके गए थे कि उन्होंने तो लंदन जाना ही जाना होता है, अड्डा पीर बधाई की तरह। ये कतर एयरलाइन जो है जहाँ से भी टिकट लें आप कतर को ज़रूर टच करती है। सो उन्होंने लंदन में जा के जो अरशाद फरमाया कि हम तरक्की के दुश्मन हैं, भला क्यों दुश्मन हो जी, हमारी तरक्की, हम तो कौम की तरक्की चाहते हैं, हम ये तो नहीं चाहते कि हमारी 30 फैक्ट्रियाँ हो जाएं एक लोहे की भट्टी से, हम ये नहीं चाहते कि तरक्की अगर इन्हीं की होनी है, केस क्या है? केस ये है अल्लाह आपको ये तरक्की नसीब करे, अल्लाह आपको ये फ्लैट नसीब करे, अल्लाह आपको ये ऑफशोर कंपनी नसीब करे, अल्लाह इस ऑफशोर कंपनी की सारी मामलात आपको नसीब करे। बात ये बता दें कि हमें शक है कि ये हमारे पैसों से गया है, और हमें यकीन होता जा रहा है जब आप बता ही नहीं रहे कि 12 मिलियन दरम से आपने सारी दुनिया को लपेट लिया है और 34 मिलियन वहाँ आपने जुर्माना जमा कराया है। सो बाबा कहाँ से आ रहा है ये सारे, आपकी लॉटरी क्यों निकल रही है? जैसे एक वजीर साहब है, हर इनामी बॉन्ड हर समय में उनका ही निकलता है, हम कहते हैं यार हमारे पास भी 100 बॉन्ड है, हमारा क्यों नहीं निकलता, हमारे पास जाली तो नहीं है, हम स्टेट बैंक से लेके आए हैं, इनकम टैक्स में हमने डिक्लेयर किया है। सो यही हाल नवाज शरीफ साहब की बच्चों का है, हमारे बच्चे भी कोई मेंटली अनफिट नहीं है, फिजिकल अनफिट नहीं है, कोई उनमें एजुकेशन की कमी नहीं है, कोई उनके मामलात उलझे हुए नहीं हैं। फिर क्या वजह है कि 18 साल हमारा बच्चा इंतज़ार करता है कि उसका शिनाख्ती कार्ड बने और आपका बच्चा बिलियनर हो जाता है? ये है जी हमारा केस अभी तक। तो जी अगर इन्होंने ट्रेल मनी ट्रेल बता दी, हम अपना केस जो है हारा हुआ समझेंगे जी आपसे। और अगर मनी ट्रेल ना बताई, परसों कल या परसों इनका फैसला हो जाएगा, कल या परसों इनके हामिद साहब और शायद हामिद साहब और राजा सलमान साहब, जाहिर है ये कह रहे हैं कि हम बता रहे हैं सब कुछ जी। अभी तक तो जी 18 घंटे मखदूम साहब हमारे दोस्त हैं, कुछ नहीं बताया। और जब करप्शन ऊपर से होती है ना नीचे तक, आज डार साहब का भी बयान आया, मैं ज़रा बिजी हूँ, सोमवार को डार साहब को कहूँगा अपने नीचे फिनांस एडिशनल सेक्रेटरी फिनांस को देखो, करोड़ों रुपये बच्ची की शादी पर लगाता है और उसकी बच्ची को फूल पसंद नहीं आते और बंदों को अंदर करा देता है। क्या पनामा का बेसिक इशू क्या है जी? पनामा की एक लाइन का केस है, ये कहते हैं कि हमें इस्तिस्ना हासिल है 66 के तहत, आइन के तहत जी। नवाज शरीफ साहब जो कहें उनकी बासपुरस नहीं हो सकती। इंशाअल्लाह ताला मेरा रिबटल आया, मैं साबित करूंगा कि क्राइम में ये इस्तिस्ना हासिल नहीं है। इस्तेकाक अगर कोई पॉलिसी बयान, अगर कोई पॉलिसी इख्तलाफ हो, अगर कोई देखें एक तरफ आप 62-63 में कहते हैं कि जो MNA खिलाफ वोट देगा जी, ये कॉन्स्टिट्यूशन के 63 में जी जो मेंबर
अपने लीडर की पांच जगह पे इशारे के बगैर वोट देगा वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा। मेंबर की तो क्वालिफिकेशन ये है कि 18वीं तरमीम में इन्होंने उसको शिकंजे में जड़ लिया, ये सारे लोग डिक्टेटर हैं अंदर से, ये दौलत इन्होंने इसी इख्तदार से कमाई है वरना इनके हाल बुरे थे, ये बैंकक्रप्ट थे, ये 33-33 मिलें और 5-5 शुगर मिलें आपने बनाई हैं उस इलाके में जहाँ जिस ज़मीन पे शुगर नहीं लग सकती। ये मैं साहिवाल जाके बताऊंगा, ये जो सैफुर रहमान साहब को आप पावर प्लांट दे रहे हैं कोल पे, पाकिस्तान का कोल तो थर से अभी निकला ही नहीं है जी, 176 अरब टन का सुना कोल है, इन्होंने 1 अरब डॉलर का बाहर से इम्पोर्ट करना है, क्या 1 बिलियन डॉलर इनके पास हैं? ये पटड़ी बिछाने लगे हैं और करप्शन की नई नहर सुइज इनके घर से निकलने वाली है करप्शन की, हम किधर जाएं बताएं? शेख साहब बहुत जबरदस्त फैसला होगा, इंसाफ पे मबनी होगा, अगर हम हार भी गए तो हम समझेंगे कि हमारा केस कमजोर। अच्छा शेख साहब जरा वापस आए अगर जी केस पे अगर आते हैं, अभी आप फरमा रहे थे, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जस्टिस खोसा साहब ने कहा है कि दो इश्यूज हैं, एक टैक्स एवेजन का इशू है, एक कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का इशू है, लेकिन साथ साथ जजेस की तरफ से मसलन जस्टिस अजमत सईद साहब ने कहा कि दोनों पार्टी सच सामने नहीं ला रही, कोर्ट से ऑब्जर्वेशन आ रही है कि सबूत नहीं आ रहे दोनों तरफ से, आपकी तरफ से भी और दूसरी तरफ से नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी, तो ये बताएं, आप तो कह रहे ताबूत निकल जाएगा इनका, तो सबूत नहीं है तो ताबूत कहां से निकलेगा? शेख अजमत साहब हमारे शहर के बड़े अजीम जज हैं और बड़ी लायर भी, बड़े 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 हाई प्रोफाइल लायर थे, हमारे पास तो जी एक कागज़ है शेख रशीद के पास IGI की, जो एक उन्होंने दुनिया के चोटी के जर्नलिस्ट ने जो डॉक्यूमेंट बनाए हैं जिसमें पाकिस्तान की तरफ से उमर चीमा थे, आज तक इन्होंने उसको शुरू में इन्होंने चैलेंज किया, आज से IGI कहती हैं कि मरियम सफदर साहबा इसकी ओनर है, बेनिफिशरी हैं, और मरियम सफदर साहबा का कोई कारोबार नहीं है और वो डिपेंडेंट है, केस सिर्फ इतना है, दो केस हैं जी बड़े सिंपल। हम ये कहते हैं कि ये पैसा नवाज शरीफ साहब का है क्योंकि बच्चे उम्र के उस हिस्से में है, ये अंडर 19 की सारी टीम है जी, 19 साल 2 महीने की मोहतरमा मरियम साहबा जो है वो हैं, तो छोटे बच्चों को देख लें, 2-2 साल 1-1 साल कम कर लें, ये बच्चे मैंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कोई मिस्त्री मजीद के या मीदे डेंटर के बच्चे नहीं हैं, ये प्राइम मिनिस्टर के बच्चे हैं, इसलिए उनके नाम दौलत मुंतकिल हुई, कोई और स्मगलर ड्रग माफिया कोई और ऐसे बच्चों के नाम करता, ये प्राइम मिनिस्टर के बच्चे हैं और बिग जीरो है उनका एसेट्स, बिग जीरो। और अभी तो मैं मंडे को केसेट जमा करा रहा हूँ जिसमें हुसैन ने कहा हमारे और भी प्रॉपर्टी है, हमारी और भी कंपनी है, वो हमारी वालदा के नाम है, अल्लाह की तरफ से सब कुछ निकल रहा है। अब हमने तो नहीं BBC को कहा था कि ये चलाओ, इन्होंने APP से, आप खुद मीडिया में रही हैं, आप इतनी बड़ी जर्नलिस्ट हैं, आप इतनी बड़ी कालम निगार हैं, क्या कभी ऐसा हुआ कि APP एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान हुकूमत की मर्जी के बगैर बयान जारी करे? कल वैसे मुसद्दिक मलिक साहब मेरे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं कि ये स्टोरी निकली है, हमने बहुत कोशिश की, उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं है किसने निकाली ये स्टोरी, यानी कि मुझे बताए बगैर और मेरे पता हुए बगैर ये निकली है स्टोरी। देखिए मुसद्दिक मलिक क्या दवाइयों की कंपनी से उठाया जरदारी साहब ने, और मार्केटिंग की वजह से उसको नवाज शरीफ ने भी कंटिन्यू कराया, मेरा ख्याल है जनरल मुशर्रफ लेके आए थे, शेख साहब जनरल मुशर्रफ लाए थे इनको, मुमकिन है ऐसा ही हो, जी वही लाए थे, ऐसा और जरदारी में भी कंटिन्यू किया उन्होंने। अब मुझे जरा अर्ज करने दें, इनके पास फैसले की जहाँ फैसले होते हैं वहां दस्तरस नहीं है, ये मार्केटिंग के लोग हैं, मंडी में फैलाते हैं ये 32-33, अब तो पहले 12 थे, पहले 8-6 शुरू हुए, फिर 18 हुए, फिर 12 हुए, अब मुझे कोई 36 कह रहा था, ये 34 कह रहा था, ये 32, 30 से ज़्यादा लोग मीडिया, जिसको बाज़ लोगों को PTV भी तनख्वाहें देता है, मैं आप APP से मुझे डिस्टर्ब कर गई, आई बिन 4 टाइम इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, मैं सोच नहीं सकता कि इतनी सेंसिटिव खबर टॉप लेवल से ना जारी हो, मैं नहीं सोच सकता।
फिर तो ये नालायकों का, नाअहलों का, नकम्मों का, नकठुओं का जुमा बाजार है कि इतनी हाई प्रोफाइल स्टोरी की, हाई प्रोफाइल स्टोरी कह दी जनाब, उनको भेज दिया, उन्होंने माफीनामा उनको कहा ये बड़ी गलत स्टोरी है। अगले दिन जब उन्होंने बीबीसी ने इनके मुंह पे ट्वीट्स दिए जी, देखें इमेज ही होता है ना, बिल्कुल इमेज होता है एक बंदे का, अगर ये पता लग जाए, पहले ही हम कह रहे हैं झूठ बोलते हैं, हमारा केस ही ये है कि ये सादक और अमीन नहीं है, बीबीसी भी कहता है ये सादक और अमीन नहीं है, हमने कोई कंट्रडिक्शन नहीं की, हमने कोई अपने साफी को, आप जानती हैं कि वहाँ डैमरेज का कितना बड़ा केस होता है अगर गलत खबर हो जाए। अब तो मुझे याद नहीं है, एक वक्त की बात है, मैं स्टूडेंट लीडर था या वर्कर था, तो जहूर लाइक के ख़िलाफ़ एक खबर निकली मरहूम के, तो उनके एक छोटे से वकील ने नोटिस दिया जी, छोटे से वकील ने, लंदन में उनका कोई पैरोकार था, आप यकीन करें हर 10वें दिन बीबीसी की टीम आई होती थी जी कि हम माजरत खां, हमें माफ़ी दे दें आप, उसको पैसों की तो ज़रूरत नहीं थी, इसके बावजूद वो ऑफर करते थे कि आप कोई दरमियानी रास्ता निकालें, हम अदालत के बाहर फैसला कर लेते हैं और आपको जुर्माना दे देते हैं, ये 40 years बिफोर। अब की सूरत आला है, अब तो मिलियन में लोग सू करते हैं, सो इनके सितारे गर्दिश में हैं जी। नाज़रीन इस पॉइंट पे हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, शेख रशीद साहब से गुफ्तगू जारी रखते हैं, स्टे विद अस। अल्लाह के फजल से हमारा दामन साफ है। यहाँ बेटा बाप को 52 crore भेज रहा है, बाप कोई बड़ा कोई गरीब आदमी है, या तो होना बेचारे के पास कोई बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे हो। कि यहाँ पे पॉपुलर लीडरशिप जो है उसको अवाम से दूर करने के लिए हमेशा गैर अवामी और गैर जमहूरी जो है वो तरीकाकार अपनाया गया। ये तरीकाकार जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ भी अपनाया गया, लेकिन अवाम ने उसको तस्लीम नहीं किया। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ शेख रशीद अहमद साहब हैं जी। राणा सनाउल्लाह साहब ने वैसे कहा है कि हम नहीं जाएंगे, हमने पूछा था उनसे क्या बीबीसी को सू कर दें अगर गलत स्टोरी है, लेकिन जैसे आपने कहा उन्होंने एपीपी का रूट अपनाया और उसमें भी उनको बीबीसी ने वापस आके उनको जवाब दे दिया। शेख साहब ये बताएं कि अगर अभी सबूत पर बात हो रही थी और ये कि कोर्ट जस्टिस अजमत सईद और भी वहाँ से ऑब्जर्वेशन आई, सबूत नहीं, अच्छा अब दूसरी तरफ अगर आप आएँ तो इमरान खान साहब भी कहते हैं, आप भी कहते हैं कि जी अवाम में तो फैसला हो चुका है, अवाम की अदालत में फैसला हो चुका है, तो उसका ज़रा पैमाना क्या है ये बताएं, क्योंकि ये PMLN वाले कहते हैं हम तो लोकल बॉडीज़ इलेक्शन भी जीत लेते हैं, अवाम का जो पैमाना है ये मेजर करने का वो है वोट, हम जीत लेते हैं हमेशा और फिर भी जीतेंगे। इस पैमाने में तो ये जीत चुके हैं और हमारे पैमाने में अवाम के स्केल पे, अवाम के पैमाने में ये हार चुके हैं। हम भी ज़ाहरा गली महल्ले में रहते हैं, हम कोई, ये बात मैं इतनी दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ, अब मैं करना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी, आपने सवाल किया है कि पनामा फूड शॉप खुल गई है शहर में जी, छोटे छोटे रेडी वाले ने लिखा हुआ है पनामा समोसे, न्यारी वाले को कहो और डालते हो, कहता है कोई कतरी माल समझे भाई, यानी अवाम के हिसाब में मुझे एक आदमी नहीं मिला जो ये कहे कि ये कतरियों के फ्लैट है। और पैसों का खेल है जमहूरियत, जमहूरियत में शायद हम हार जाएं लेकिन हम हार के भी जीते हुए हैं, वो कैसे, शायद हम सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला, क्योंकि हम अवामों के दिलों में बस रहे हैं, लोग हमें सुनना चाहते हैं, जिधर से हम गुजरते हैं मोटरसाइकिल 5-5, 10-10, 20-20 लोग हमारे पे खल्ला नहीं देते थे, हम वजीर थे कहते थे ट्रैफिक खुलवाओ, अब हम गुजरते हैं तो 10-15 वैसे ही मोटरसाइकिल हमारे साथ चलते हैं, कहते हैं जी जबरदस्त, इस तरह इशारे करते हैं इस तरह। ये नवाज शरीफ साहब को जो ये अगर मैं इमरान खान की जगह होता, मैं तो चाहता हूं ये पनामा उसी तरह आगे चला जाए जैसे राजीव में बुफर्स का स्कैंडल, वो क्या था, बुफर गनों का केस चला था, स्विस बुफर गने, तोपखाना जो था, आर्टिलरी जो था जी, हर चौक में बुफर गन लगा दी थी, हम भी हर चौक में पजामा टांगने के पनामा वाला, वक्त आने दें आप, ये इतना आसान काम नहीं है जितना इन्होंने समझा है। और 3 दिन के ये पैनिक हुए हैं, वल्ला आलम बिस्सवाब क्या बात है, पहली दफा नवाज शरीफ साहब ने भी बयान दिया इस तरह, और हमेशा वो मायनी पुर मग्ज बयान लंदन से जारी करते हैं, पाकिस्तान में तो कहते हैं ये मंगल बुध को भी नागा नहीं करता,
अगली असम्बली में आएगा तो देखेंगे ये अगली ओए अल्लाह के बंदो, कल तो अल्लाह को पता है ना, कल तो बंदे को नहीं पता। लेकिन जो मज़ा हमें आज आ रहा है ना, कल की हमें इतनी कोई हम वहाँ हिसाब नहीं देने जा रहे अल्लाह के पास, हम अवाम में जा रहे हैं। हमें एहसास है कि अवाम की सोच क्या है, उनकी आँखों की हम चमक पढ़ सकते हैं। अगर हम उम्र के इस हिस्से में भी उनकी आँखों की चमक नहीं पढ़ सकते तो फिर हमें रेवड़ियाँ बेचनी चाहिए। शेख साहब ये बताएं कि चमक समझ जी, जी जी देखे ना, आप कह रहे हैं कि वोट, वो कहते हैं जी वोट भी हमें पड़ते हैं, अगर केस का अभी तो पता नहीं क्या फैसला होगा, केस का इनके हक में हो जाए 2018 के इलेक्शंस में क्या होगा, यानी मैं चाहती हूँ आप लोगों को बताएं कि ये जो सारा इस वक्त केस हो रहा है उसका असर क्या होगा, अगर वोट भी इनको मिल जाएंगे, केस भी ये जीत जाएंगे तो फिर पाकिस्तान को क्या फायदा होगा, जो इशू पूरा अकाउंटेबिलिटी का उठा है वो कैसे आगे बढ़ेगा? ये आखिरी मोर्चा है, आखिरी उम्मीद है, जजेस इन्हीं में से लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, आईन कानून और जमहूरियत की जिंदगी और बका की आखिरी उम्मीद है। कोई पहले ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे कि ये हमारे फ्लैट हैं, ये ऐसे ही है जैसे वो हेलीकॉप्टर ग्रुप में अल्थानी, पता नहीं इसका बड़ा भाई था कि छोटा भाई था, वो सैफुररहमान साहब ले आए थे, ये ऐसे ही है जैसे अल्थानी को इन्होंने पोर्ट कासम दे दी हुई है। और जिस तरह के टेंडर हो रहे हैं आजकल सबको पता होना चाहिए, जिस तरह साहिवाल में हो रहे हैं, जिस तरह नंदीपुर तबाह बर्बाद है, जिस तरह कायदे आजम सोलर प्लांट तबाह है, इसी तरह ये मुजफ्फरगढ़ जो 1200 मेगावाट का है ये भी अल्थानियों के। देखिए इस मुल्क में एक आदमी की कई कंपनियां होती हैं, और जब देर इज ऑलवेज फेस ऑफ बिहाइंड ए केस, तो जजेस मेरी तरफ यूं देखा उन्होंने, मैंने कहा सर आई मीन द फेस ऑफ सैफुररहमान, और वो सैफुररहमान मानता है कि हाँ मैंने बड़ा रोल अदा किया है कतरियों का और इस मसले में काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में जी। अब सवाल ये है जी, हम ये कहते हैं कि ये पैसा इन्हीं का है, यही दो हमारे सिर्फ डॉक्यूमेंट है, कोई तीसरा हमारा डॉक्यूमेंट नहीं। 18 घंटे मखदूम साहब ने जी ये केस लड़ा है, 18 घंटे एक ट्रेल नहीं बताई। एक पहले सलमान साहब आए थे, सलमान भट्ट साहब, ये राजा तो अब पता नहीं परसों जो पेश करेंगे हम सुनेंगे। उन्होंने कहा हमारे पास है ही कुछ नहीं, उस वक्त वहां 80 में गधे चलते थे, ऊंट चलते थे 80 में, हाँ के उधर तो कोई ट्राली नहीं थी उस 80 में, दुबई में क्या था। मैंने लिस्ट पेश की है सुप्रीम कोर्ट में, 30 बैंक थे जी 1980 में भी दुबई के अंदर, और दुनिया के चोटी के, अब लूंगा नाम उनके तो वैसे ही उनकी पब्लिसिटी हो जाएगी, दुनिया के चोटी के बैंकों की 30 ब्रांचें थी दुबई में, इनको नहीं नजर आ रही थी, इनके लिए वो मजाक था। अब मसला क्या है जी, मसला ये है ना, ये केस किसी MI ने ढूंढा है, ना ISI है, ना IB है, ना स्पेशल ब्रांच है, ना इमरान खान है, ना शेख रशीद है, ना सिराजुल हक है, ICIJ ने ये केस निकाला है, सारी दुनिया इसके पीछे हो गई, खड़ी हो गई, सारी दुनिया में एक भी बंदा ऐसा नहीं है, एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसने ये कहा हो कि ये फ्रॉड डॉक्यूमेंट है, ये फ्रॉड डॉक्यूमेंट है और इसमें जो है वो गलत किया गया है, सारा काम झूठ है, हर एक कह रहे हैं जी सच है। और सबूत लाने के लिए जिनके माल हैं वो लाएं, यानी माल इनका सबूत हम दें जी, केले इन्होंने खाए हैं, गाजरें इन्होंने खाई हैं, कद्दू इन्होंने खाए हैं, पेट हमारे में दर्द हो जी कि हम फक्की खाएं, हम फक्की भी यही खाएं जिनके ये फ्लैट हैं। अगर हमारे फ्लैट हों तो ठीक है जनाब, हम बताएं कि कहाँ से पैसे आए, कहाँ से गए, कहाँ से नहीं गए, गाजरें खाई हैं इन्होंने और फक्की खाएं हम, ये कहाँ का इंसाफ है। नाज़रीन इस पॉइंट पे हम ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं इस गुफ्तगू को जारी। मुल्क का प्राइम मिनिस्टर वो ये कह रहे हैं कि जो पार्लियामेंट में उन्होंने तकरीर की उसको इग्नोर किया जाए, क्यों? क्योंकि वो झूठ थी। इमरान साहब, शेख रशीद साहब और सिराजुल हक साहब केस में सीरियस नहीं है, वो एक पब्लिक केस बनाना चाहते हैं।
अच्छा शेख साहब, सुप्रीम कोर्ट में देखे ना, सुप्रीम कोर्ट में जज ने यह भी कहा कि जी हम मफरूजे की बुनियाद पर हम इनको नाअहल नहीं करार दे सकते प्राइम मिनिस्टर को, तो बात आपकी ठीक है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं और ये ICIJ की भी जो रिपोर्ट आई है उस हवाले से भी ये, लेकिन अगर वहाँ से बेंच से ये ऑब्जर्वेशन आ रही है तो क्या आपके जहन में ये सवाल उठता है कि जो वकील हैं इस वक्त PTI के, क्या वो उस तरीके से सबूत दे रहे हैं जो देना चाहिए? जब एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर का नाम हो जो दोस्ताने पहन के सारी मनी लॉन्ड्रिंग में जिस मुल्क का वजीर खजाना मुलव्वस हो, 164 का बयान हो, अभी मैंने आपको कहा कि उसका एडिशनल सेक्रेटरी करोड़ों रुपए की बच्ची की शादी करता है, वो तारक जो के है, जो भी है उसका नाम, तो तारक पाशा नाम है। आप कह रहे हैं आपकी बात भी हुई उनसे? हाँ, मैंने खुद फोन किया उनको, वो मैंने उनको फोन किया, और मैं ये समझता हूँ कि क्या इस मुल्क में बड़े लोगों के लिए कोई कानून नहीं है। और मैंने जस्टिस अजमत साहब से कहा जी कि आप मेरे शहर से तलक रखते हैं, मेरे शहर में 164 के बयान पर कई लोग फांसी लग गए हैं, और इस मुल्क का वजीर खजाना कहते हैं जी उससे पुलिस ने क्योंकि इंक्वायरी नहीं की, वो मुल्क से बाहर था इसलिए उनका केस क्विट कर दिया गया, दाखले दफ्तर गया, फाड़ के रद्दी में फेंक दिया गया। ये माल लेके गए हैं दुबई, कतर, लंदन, यानी वो खुद कह रहे हैं कि हमारा, अगर ये कहते हैं नहीं जनाब हम पे इल्जाम लगाया है शेख रशीद ने, फिर तो कोई और बात है। जब वो कहते हैं हाँ ये हमारा है, जब ये कहते हैं कि ये हमारा है, फिर इनको बताएं ये कहां से खरीदा है, कहां से पैसे गए हैं, और जो 34 मिलियन अतफीक पे बैंक पे, दो ही हमारे पास डॉक्यूमेंट है, तीसरा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, एक ICIJ का रिपोर्ट है, दूसरा वो बैंक डॉक्यूमेंट है, और आप परसों चौथ सुन लेंगी कि अतफीक में भी कोई अरबी आ जाएगा, कोई शहजादा, कोई शेख, खुद उनके हाल इतने बुरे हैं कि बांगे दे रहे हैं ये शहजादे और शहजादियां, ओ किसी मुगल शहजादे ने भी अपने बाप को 85 करोड़ का तोहफा नहीं भेजा आज तक, मैंने नहीं पढ़ा हिस्ट्री में कि मुगल शहजादे ने अपने, ये लोग फिर मुझे कहते हैं मैं गलत बात करता हूँ, समीउल्लाह ने कलीमुल्लाह को दिया, कलीमुल्लाह ने पास समीउल्लाह को दिया, समीउल्लाह ने 85 करोड़ रुपया बाप को दिया, बाप ने ये 85 करोड़ रुपया, क्या मजाक है यार, तुम्हें ये पैसों की जरूरत क्यों पेश आ रही है, वो आए आप क्यों, आपको ये जरूरत आ रही है कि इस तरह कर रहे हैं, क्योंकि आप फंसे हुए थे, आपके डॉक्यूमेंट गलत थे, आपके पास माहिर दिमाग है मनी लॉन्ड्रिंग के, आपका वजीर खजाना मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, जितने बड़े बड़े काला धन करने वाले लोग हैं वो आपके सपोर्टर हैं, वो आपके फिनांसर हैं, और मैंने सुप्रीम कोर्ट में इतना बड़ा इल्जाम लगाया कि मैं कतरियों का अनोथ कहता हूं सुप्रीम कोर्ट को, ये इलेक्शन में भी पैसे दिए इन्होंने नवाज शरीफ। शेख साहब, इसहाक डार साहब के हवाले से जो आप फरमा रहे हैं, जब लाहौर हाई कोर्ट ने उनको यही बिल्कुल कहा कि जी अच्छा पुलिस के कस्टडी में ये दिया गया तो ये मुल्क से बाहर थे, तो फिर केस क्यों नहीं किया जाता, उनको कोर्ट में कोई क्यों नहीं लेके जाता इसहाक डार साहब, यानी कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर को ले गए उधर भी ले जाए। देखें, एक जज की कुछ राय थी, एक जज की कोई राय थी, तीसरे जज को मुसल्लत किया गया, वो पनामा लीक्स में उस जज का भी नाम है। इन जजों में जो जज जो है पनामा में हाई कोर्ट के जज का नाम आया है, इसमें वो हाई कोर्ट का जज है जिसने इसहाक डार को क्विट किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस कह चुके हैं कि ऑफशोर कंपनी होना कोई जुर्म नहीं है, उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से टैक्स एवेजन और कंसीलमेंट, तो जो जज की आप बात कर रहे हैं लाहौर की, उनकी ऑफशोर कंपनी थी। लेकिन शेख साहब, मैं जरा वापस आपको लाना चाहती हूं इस इशू पे, मुझे ठहर जाए ना, अब आपने सवाल किया ना, जी आप साथ साथ सफाई दे रही है स्लेट पेट पे मेरी जो लिखी हुई उसको साफ करती जा रही है। अच्छा चलिए जवाब दें, मस्जिद के मौलवी का, इमाम मस्जिद का किरदार इतना बुलंद होना चाहिए कि उम्र फारूक रजी अल्लाह ताला अनु जुमा का खुतबा देने जाते हैं और कहते हैं ठहर जाओ उम्र फारूक रजी अल्लाह ताला अनु, कैसे तुम जुमा पढ़ा सकते हो, एक चादर में आपने ये पोशाक कैसे बनाई, उसके बेटे ने
खड़े होके कहा कि बाबा ने जो पोशाक पहनी है, एक चादर मुझे मिली थी, एक बाबा को मिली थी, इसमें ये पोशाक बनी है। अगर आप ये कहें कि जजेस ऑफशोर में माल रखें, मौलवी जो हैं वो ऑफशोर में माल रखें, तो फिर इस मुल्क को भी पटे पे दे दें। आगे भी हमारे यहाँ ऐसी सोच पैदा हो रही है कि अगर चोरों ने ही चलाना है, अगर डाकुओं ने ही लूटना है, और मैंने सुप्रीम कोर्ट में कहा जनाब जेब तराश की और सजा है, फोन खींचने वाले की और सजा है, चोर की और सजा है, कॉन्स्पिरेटर की और सजा है, डाकू की और सजा है। ये डाकू हैं क्योंकि इन्होंने गरीब का माल लूटा है, और डाकू जहर है, डाकू इतना बड़ा उन पर इल्ज़ाम है, और जो खुद कह रहे हैं हमारी और जायदादें हैं। आप कह रही हैं कि क्या हो गया अगर हाई कोर्ट के जज ने, मैं नहीं कह रही शेख साहब, मैं बिल्कुल नहीं कह रही। मैंने आपको कहा है सर, मैंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जज की ऑब्जर्वेशन थी, मैं कोई नहीं हूँ इस केस में, मैं तो आपको रिपोर्ट कर रही हूँ कि उन्होंने ये कहा कि ऑफशोर कंपनी होना मैंने नहीं, कभी नागा नहीं किया, मुझे पता है, हमें पता है जुर्म नहीं है। अच्छा, तो मैंने नहीं कहा। फिर जज का आखिरी देखें ना, जब आप एक प्रोग्राम में कह रही हैं, आप एंकर हैं, दूसरा हिस्सा भी सुना है कि जब गुलजार साहब ने कहा इसका मतलब है कि आप टैक्स बचाने के लिए, आप टैक्स चोरी करने के लिए जाते हैं, उसने कहा नहीं मखदूम साहब ने, टैक्स बचाने के लिए, उसने कहा आप इसी तरह गुजारा कर रहे हैं। जब उसने कहा कि आप ये टैक्स चोरी कर रहे हैं जज साहब ने, उसने कहा नहीं जी टैक्स बचाने के लिए गए हैं, उसने कहा फिर इसी तरह आप मुल्क चला रहे हैं। ये सारा साथ साथ पढ़े ना, अगर एक हिस्सा पढ़े और दूसरा नहीं पढ़ेंगी तो उसका गलत नहीं नहीं, बड़ा अहम है कि आपने पूरा पढ़ दिया। शेख साहब ब्रेक लेते हैं इस पॉइंट पे, फिर वापस आते हैं, इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं। दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं हजूर, ये हैं वो जराए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे। जरा सर लोगों को बताएं कि पैनिक की निशानदेही करें कि क्या सिग्नल आपको मिल रहा है कि आप कह रहे हैं पैनिक में। राणा सनाउल्ला ने कहा कि जिस तरह अदालतों ने भुट्टो को फांसी दी, इसी तरह ये अदालतें अगर हमें खत्म करेंगी तो डैश डैश, मैं नहीं कहना चाहता, आप खुद उसका क्लिप जी लगाएं जी जी बिल्कुल। उन्होंने कहा है कि अवाम जो है वो नहीं एक्सेप्ट करेगी, सही कह रहे हैं बिल्कुल, अवाम सड़कों पे आ जाएंगे। ये भुट्टो की भी लोग कहते थे कि यहाँ हमालिया रोएगा, एक चिड़ी नहीं फड़की थी। फिर जो कुछ जबान ख्वाजा साद साहब ने इस्तेमाल की है, वो मिस्टर बॉन्ड नामी बॉन्ड जो है, वो ख्वाजा साद रफीक साहब ने, जिनका नाम ही नामी बॉन्ड पड़ा हुआ है, उन्होंने गंदी गालियाँ दी हैं मुझे भी, और कहा कि जनाब अली कि ये तो हड्डी नहीं इन्हें मिली, चले इन लोगों को मिल गई, हमें नहीं मिली, मैं ये नहीं कहना चाहता था। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, सारे वुज़रा ने दो दिनों में कहा कि जजेस ऐसी बातें कर रहे हैं जिसका केस से कोई तल्लक नहीं है, हु दे आर टू डिक्टेट दी जजेस। जब मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि अगर हमारे खिलाफ भी फैसला आया तो हमें सर आंखों पर कबूल है। देखिए हमारी ख्वाहिश है कि ताबूत करप्शन का यहाँ से निकल आए जी, ये हैव और हैव नॉट की जंग में ना बदल जाए, और ये कहीं खूनी मामलात ना हो जाएं इस मुल्क में। और अगर कोई ये समझ रहा है कि ये केस खाली फायर हो जाएगा, ये नहीं मैं कह सकता उन पे कितना दबाव आएगा, हमारे खिलाफ कितना जाएगा। वो एक दिन गौर अयूब ने कौमी असम्बली में कहा, मुझे वो बात बड़ी दिल को लगी, उसने कहा खान साहब ने फायर किया, शिकारी था या किसी शेख ने फायर किया, तो जो फाख्ता या जिसका शिकार कर रहा था वो उड़ गई। उसने कहा आपने कारतूस ज़ाया कर दिया, इतनी दूर से आया आप शिकार करने के लिए। उसने कहा जी कारतूस तो जारी हुआ है, अब ये इस परिंदा इधर आके चू चू नहीं करेगा कभी भी जिंदगी भर। शायद हमारा शिकार का निशाना खता जाए लेकिन ये परिंदा चू चू नहीं करेगा, डर बैठ इतना खता नहीं जाएगा, है जी डर बैठ इतना खता नहीं जाएगा कि हाँ। शेख साहब ये बताएं कि बिलावल भुट्टो ने कल ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट से तो कोई नहीं मिलने लगा, जो जस्टिस नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, अगर अकाउंटेबिलिटी होगी तो हमारा जो बिल है सेनेट में वो पास होगा तो फिर अकाउंटेबिलिटी होगी। ये ऐसे ही है कि अगर शेख रशीद के पिछले खानदान वाले ना मरते तो किसी से वोट मांगने ना जाता, शेखों का खानदान ही बहुत बड़ा हो जाता।
ख्वाब देखने की तो कोई पाबंदी नहीं है। अगर नवाज शरीफ ने ये बिल मानना होता है एतजाज अहसन का, तो ये 9 महीने जो हम खजल ख्वार हो रहे हैं, और वो भी खजल ख्वार हो रहा है, देखें ना शेख रशीद इमरान खान की नहीं हो रहे, हुकूमत का भी आप देखें, हमने नाटका बंद किया हुआ है, सारे वजार वजीर जो हैं वहाँ अदालत में हाजिर हैं, हालांकि उनका केस नहीं है, लेकिन केस के बाद वो अपना फेस चलाना चाहते हैं। और बिलावल का ब्लंडर किया पीपल्स पार्टी ने इस केस में ना आके, खोसा साहब से मेरी खुद बात हुई है, कल भी हुई है, परसों भी हुई है, तरसों भी हुई है, मेरी ख्वाहिश है कि मेरा वो रिबटल में मेरे साथ खड़े हों जब मेरी अब बारी आए बुध या जुमेरात को। उसने कहा शेख रशीद मैं तो खड़ा हो जाऊं, पर आसिफ जरदारी से मुझे इजाजत कौन दिलाएगा। तो आपने बात की आसिफ जरदारी साहब से? मेरे तो उससे कोई सलाम दुआ नहीं है। जो बिलावल को मैंने बात कही थी कि अपने बाप के नक्शे कदम पे ना चलना, असल उनको पता लग गया कि अगर आसिफ जरदारी नॉमिनेशन दाखिल कराएगा उसके इलेक्शन आरओ के पास, उसका सारा कच्चा चट्ठा चला जाएगा और वो ऐसा मुजर और जहर अंगेज होगा कि शायद उसके लिए पिछली अगली ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाए। सियासी ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ, जी, जी, जी। उसकी अल्लाह उसकी। अब वो तो असम्बली से चले गए कि वो नहीं लड़ेंगे। अब बिलावल साहब अगर ये तसव्वुर करें, क्योंकि उनकी रैली ज़रूर होगी थी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, एक पार्टी का वो अब सरबरा है और नौजवान पढ़ा लिखा बच्चा है, लेकिन कराची की रैली को मैंने खुद देखा, जो वो शुहदा के लिए थी वो तो ठुस थी जी, बिल्कुल एंड मैंने देखा, मैं पीसी में था, उसके साथ ही वो ख़त्म हुई। ये भी कोई पीपल्स पार्टी का ये मेन बेल्ट है जी पंजाब का। मैं आपसे अर्ज करूं, अगर ये रैली पिंडी और जेलम के दरमियान होती तो शायद मैं ये बात ना सोचता। अगर आप ये देखें, ये लाहौर सारा रूट जो है ना जी, लाहौर से फैसलाबाद उखाड़ा आता है, वट्टू साहब का मेन इलाका है, मंडी बहाउद्दीन से लोग आए हुए थे, कायरा साहब के बहुत लोग हैं यहाँ पे जी। फिर आप ये देखें कि फैसलाबाद में सारे वर्कर हैं, मजदूर हैं, ये अनइम्प्रेसिव रैली थी। मैं समझता हूं जी, रिवाइव करने की कोशिश है, सही कह रहे हैं, कमजोरी है पीपल्स पार्टी का। शेख साहब, वैसे ये जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं वो तो कहते हैं कि आसिफ जरदारी साहब लड़ेंगे, हालांकि आप जो कह रहे हैं खबर तो यही है, लेकिन बहरहाल देखते हैं क्या होता है। शेख साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, हमारी तरफ से आज इतना ही, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।